सर रोटावेटर छोड़ दिया है और भैया अभी से लेके चल रहे हैं, दुराले पहुंच रहे हैं एजेंसी पे। ये देखें आवाज़ कितनी शानदार है ट्रैक्टर की, बहुत बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर आज ये आया। मैसी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जो नए मॉडलों का। अच्छा जी, राम राम जी। दोस्तों देखा कितना शानदार ट्रैक्टर ये चला गया डेमो करके, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए इस मॉडल को। दोस्तों ये तो काफ़ी पसंद आया हमें, बहुत ही बढ़िया। अब चले चलते बोलू सेकंडों में करो यार काम को, सारा रोटी का आराम का सारा टाइम लिख गया, चलो। और दोस्तों इसी के साथ में ट्रैक्टर चला गया है, अंशी के चाचू दादू और अंशी ले गए हैं। और अब दोस्तों बस खाना खा के, दोपहर का खाना लेट हो गया है, खाना खा के और बहुत जल्दी आते हैं सब उसको लेना। दोस्तों पूरा खेत जुत गया है डेमो में, बहुत बढ़िया, कई कई बार पूरा सही खेत जुत गया है, बहुत बढ़िया। और दोस्तों मेरा मुंह ऐसा हो रही और मैं चल रहा हूँ फटाफट, मैं भी मेरे दोस्तों आज पूरे खेत में नंगे पैर ही रहा मैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगाया क्योंकि उसने बड़े ट्रैक्टर ने काफ़ी अच्छा भान कर दिया था। मेरे जूते यहाँ पड़े हैं, मैं इन्हें ले के पहन के चलता हूँ फटाफट, मुझे सामने पहुँचना होगा उधर ट्रैक्टर पे फटाफट, यहाँ तो कुछ नहीं रहा। चले दोस्तों ट्रैक्टर वहाँ जा लिया है और मुझे ट्रैक्टर से पहले पहुंचना है चक्रोड़ पे, अन्यथा ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि मैं लाया था ट्रैक्टर आपने देखा और ये आए थे दूसरे ट्रैक्टरों पे, ट्रैक्टर सारे चले गए हैं तो मुझे दौड़ लगानी होगी अब धाएं धाएं। दोस्तों वहां से यहाँ लिए हैं भागते भागते और अब फिर जल्दी से हाथ धो ले आगे हैं। हाँ दोस्तों भाग लेते हैं इसी के साथ वीडियो। और दोस्तों अब जो हमारा डैमो के बाद जो हमारा भूसा रह रहा है खेत में, शाम हो गई है बहुत ज़्यादा, तूफान सा आ रहा है बार बार, उसे लेने चलते हैं। दोस्तों वो साथ के साथ नहीं आ पाया था, गन्नों की ट्रोली भर के पुछाई थी, खेत में पानी चलाया था, उसे भी काट के रख ले। तो मैं अंशी ला रही इतने जोड़ के, ठीक है अंशी गेट खोल। दोस्तों इस पर जो है सामान सारा रख लिया है, पानी की बोतल वगैरह भी रख ली है, इसे स्टार्ट कर लेते हैं। चलो खोल दो, आराम से आराम से, ज्यादा नहीं, इधर हिंकू उधर ले आ जा। बंद करने इतना सामान उधर रखना, निकाल ले। बुग गया रही मगर यहीं रख लो ला गए। दोस्तों चल दिए हैं सामान रख के ट्रोली में, खेत में मिलते हैं। और दोस्तों पहुंच लिए हैं, लेकिन अब इस वाली पेड्डी में बहुत ज़्यादा घोड़ा है, उधर से उड़ के ये इधर आ गया है सारा, और अब भूसा उठाते हैं चलते हैं वहाँ फटाफट।
बाबा पता नहीं कहाँ है, अभी आया नहीं है, कहाँ है, साइकिल लेकर गायब है। भूसे पे पहुँचते हैं दोस्तों। इसमें बहुत अच्छी जुताई हुई यार, डेमो जो हुआ, डेमो वगैरह जो भी हुआ दोस्तों, खेत में उतर लिया है ट्रैक्टर। ये देखें वाहन में कितना घोसरी, और मौसम देखें कैसा हो रहा है, जैसे अभी एकदम एक सेकंड में जो है बारिश आ जाएगी, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और जो बचे कुछ लाने आज निकल जाएंगे, और लगभग दो दिन में गेहूं बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा हमारे यहाँ। अब मुश्किल से 5 या 8 दिन का सीजन बचने लगा है, बस बंद कर लेते हैं फटाफट। अब मिंदर भाई चाय पिएगा। बाबा को फोन करो दोस्तों। बड़ों की बात हमेशा सत्य निकलती है कि अगर गेहूं का भूसा ठीक, मतलब गेहूं अगर ठीक ठाक निकल जाए तो तुरंत एक पल भी गंवाए उठा लेना चाहिए भूसा। और दोस्तों देखो बार बार आसमान में देखो कितनी घटा हो रही है, मच्छर से उड़ रहे हैं चारों तरफ, बहुत बुरी हालत है। हर खेत में मशीन लग रही है, मतलब कहने का ये है कि अब हमारे यहाँ बहुत किसान भाइयों के जैसे आधा गेहूं कटा है तो आधा ही उठा रहे हैं, क्योंकि मौसम में अजीब सी आवाज़ हो रही है हल्की हल्की, जैसे कहीं दूर बरस रहा हो। और रात से ही मौसम में गड़बड़ा, रात बहुत तेज़ तूफान आ गया था, अब ये डैमों के चक्कर में दोस्तों फिर सुबह नहीं उठाया, अब मैं ही ना लाया हूँ उठा के। आज जैसे खेत में पानी दे रखा था, छुट्टी पे थे तो मतलब इन्होंने आराम ही किया, कपड़े उपड़े धोए अपने, जो भी अपने काम करने थे शहर बाजार के, बाकी दोपहर में आराम करा। और एक बात की सख्ताई थी मम्मी पापा की तरफ से, कहते बिल्कुल पीना वीना नहीं है। तो दोस्तों बहुत जल्दी करके इसे कर लेते हैं। आसमान बिल्कुल जो है गवाही नहीं दे रहा, और चारों तरफ से बहुत अजीब अजीब मतलब महक सी एक अजीब आ रही है, जैसे थोड़ी बहुत देर में तूफान आने वाला हो। जहाँ भी कोल्लू कलेसर चल रहे हैं, धुआं सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों ये भी घबराने वाली बात है। उतर लेते हैं सामान, उतार लेते हैं फटाफट, जल्दी आ जाओ, गिलास ले आ भैया। भैया ये बड़े बुजुर्ग रुक के ना मचावे ना मिंदर, आधे सामान तो घरों भी ना जावे। बाबा की चाय बचाई थी ना थोड़ी सी, आ जाएगा 5 मिनट में दोस्तों। मैं गठिया चढ़ानी शुरू कर रहा हूँ पहली पल्ली से, मिंदर भाई ने उधर फलानी शुरू कर दी है, फटाफट चढ़ाते हैं। कोशिश करके इसे एक ही ट्रॉली में उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी क्षण तूफान आ सकता है। बहुत बुरी हालत है आसमान में, चक्की सी चल रही है दोस्तों। मैं गठिया चढ़ा रहा हूँ अकेला ही, मेरे आसपास कोई नहीं है। और दोस्तों मैंने मिंदर वहाँ पीछे भगाया है, उधर जो है बिजार पेड्डी में आ गए हैं, मिंदर वहाँ जा लिया है उन्हें खदेड़ने, क्योंकि दोस्तों दोबारा बड़े जूदों में पेड्डी फूट का आई है, और वो फिर से खा रहे हैं, साथ के साथ ही खा रहे हैं, चट कर रहे हैं। और यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8वीं पल्ली में चढ़ा रहा हूँ फटाफट जेली से दोस्तों। ये सामने गाँव की तरफ बिजोरा है बहुत ज़्यादा, चारों तरफ से घनघोर घटा छा गई हैं, बिल्कुल गर्मी भपका हो रहा है, सांस नहीं आ रहा। बाबा फटाफट चढ़ा रहा है। और दोस्तों ये देखें इधर फिर से बिजली चमकी है बहुत ज़्यादा, हमारे ऊपर बिल्कुल काला बादल है। अगर ये 2-3 दिन का मौका दे देता है तो किसान भाई, अब बराबर वालों के भी जो खेत रह रहा था उनके मशीन आ गई है। और दोस्तों ढेर हमारा अगर थोड़ा बहुत बचने लगा, भी हमारे पास 10-12 पल्ली हैं, तो इसे थोड़ा सा ट्रॉली में खोल आगे पीछे जमा कर अंदर खोल लेंगे, क्योंकि दोस्तों 38 पल्ली है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और मौसम जो है बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, बहुत बुरी तरह से मौसम ख़राब हो रहा है। इधर घैड़ घैड़ हो रही है दोराड़े की तरफ दोस्तों। 38 पल्ली बंदगी हैं, जो कि कई जगह से हमारी भी पल्ली है इनमें, और हमने कई जगह से मांगी हुई भी हैं, जो अड़ोस पड़ोस में से हैं। और अब दोस्तों ये बच गया, ये सकेरन बच गई है पूरे पल पर, 3-4 गठी है, थोड़ा सा ये कोने में है, इधर गया इसे सकेर के ऊपर घेर लेंगे कुछ। ये करीब 1 2 3 4 सारे को मिला हुए, अगर वहाँ से वहाँ तक सकेरें पल को खींचे तो करीब 8 गठी है जो भूसा है, 8-10 गठी है भूसा अभी है। तो दोस्तों दोबारे का काम नहीं छोड़ रहे हैं, ट्रोली में आगे पीछे 4-4 गठिया लगा के इस वाले भूसे को, जो मतलब ये जो गठी रखी हैं, ये 10 पल्ली अंदर खोल देंगे, खोल के फिर इन्हें बांध लेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी मौसम इतना बिगड़ा कि तो हवा तेज आ गई, थोड़ा उधर की तरफ उतर गया है, लेकिन अब जो है हवा टेढ़ी हो गई है, तो उन्हें भी ताऊ जी को भी मशीन बदलनी पड़ी 2 बार, तो अब हवा इधर से आ रही है, इधर मतलब उत्तराखंड की तरफ से, उत्तर की तरफ से आ रही है इधर को। तो ये जब ये वापस आएगी तो ये मुझे लग रहा है सामने है तूफान, तो ये पीछे से तूफान अब इधर चला गया, तो ये मुझे लग रहा है
इधर पूरे में काला हो रहा बहुत ज्यादा, राम जी बिजो रहा है। तो दोस्तों बचने की यही ट्रिक है, अब कैसे भी करके एक ही बार में काम निपटाया जाए, तो इसे कोशिश करके अभी यहाँ से निपटा लेते हैं। इतना बाबा थोड़ा दम ले रहा है और इसे ट्रॉली लगा के यहाँ सामने इसमें खोल लेते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ यही लगा दे तिरछा, चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे बस। दोस्तों आज तो पता नहीं मेसी वालों को भी क्या चढ़ी, बस कमाल ही कर दिया डेमो करने में। इतना तकड़ा डेमो और इतना तकड़ा भान देखो, अजी मजे ठा दिए। 80-55 का तो यो जलवा था कि जमीन में से पानी काट देता जो उसका बस चल जाता। ये देखो चलते हुए भी खेत में पैर दस रहे, चला भी नहीं जा रहा, इतना तकड़े इतने राउंड बनाए ट्रैक्टर ने। तो दोस्तों फटाफट कर लेते हैं करामात फटाफट। बाबा बांधो भाई कपड़ा। दोस्तों जो दोबारे का फेरा करना पड़ता हमें 6 पल्लियों की वजह से, वो हमने आगे 4 पल्ली अड़ा के बीच में खोल दिया ट्रॉली में, तो अब इसके ऊपर ही जमाएंगे बाकी ट्रॉली को। तो ये अंदाजन 38 पल्ली हैं, 45-40 या 50 पल्ली के हिसाब का माल ट्रॉली में चलेगा। तो हम ऐसे ही करते थे जब फार्म, जो हम ठेके की ज़मीन बोते थे दूर दूर फार्मों पर से, हम 10 पल्ली 12 पल्ली माल नीचे खोल लेते थे ट्रॉली में, और करीब 48-50 पल्ली रहती थी, तो बहुत बड़ी ट्रॉली भर के आती थी। स्वराज बाती तो खैर कीड़ी की चाली थी बंदे बंदे, क्योंकि जितनी ज़्यादा पल्ली होंगी ट्रैक्टर की स्पीड उतनी कम होगी। तो ये खोल लिया है यहाँ आराम से, वो वहाँ भर रहे हैं, बाकी माल चढ़ाया जा रहा है इस तरह से, पल वल सब बांध गए पूरा समेट के, तो फिर यहाँ से भरना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर कम रहेगी पल्ली फिर दिक्कत आएगी। चौकी चौकी चढ़ा लिया गोल सी करके, अब तो रहनी है आगे। दोस्तों इसमें हमने 10 पल्ली खोल ली थी नीचे, ये जो भूसा खोला हुआ है नीचे यहाँ मेरे पैरों के नीचे, और बाकी ये ऊपर भर दी है यहाँ। वो परली साइड में जो था गठिया सरक गई थी आगे की तरफ, क्योंकि अंदर से धकेला लगा, तो इसमें ये रस्सा बांध के यहाँ छोड़ दिया है, जिससे वो गठिया आगे की तरफ ना भागे, क्योंकि अंदर का भूस धकेला लगा रहा है। बाकी ये भर रहे हैं अभी नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गठिया भूस और होगा, वो टेक देंगे इस पर। तो हवा बहुत तेज चल रही है, ये देखें बहुत तेज हवा है, बहुत ही तेज भूसा जो है ट्रॉली में से भी उड़ रहा है। लेकिन अभी तक मौसम ने इतनी राहत दी है कि जान बच रही है। बाबा नीचे भूसा सकेर रहा है जगह जगह दोस्तों, क्योंकि हमारा पल जो है जो पैर के नीचे बिछाते हैं हम, वो पल बीच में से क्रैक हो गया 2-3 जगह, पिछली वीडियो में आपने देखा था। और दोनों भाई जो है उधर लग रहे हैं पल तय कर रहे हैं। ए बढ़िया थोड़ा करिए झाड़ गए यार, रिपेयर होने भी जागा। अरे कहाँ पिल्ले मजनू कर दी मैं, चाऊ चाऊ करते फिर रहे, हाड़ चाप रहे होंगे। दोस्तों मैं ऊपर से नीचे आ लिया हूँ, और आज ट्रॉली जो है ऐसी लग रही है जैसी हम पहले भर के फार्म पे से लाए करते थे, बड़ी बड़ी भर के पूरी, बहुत बढ़िया। और ये देखें जो वो रिस्की मूवमेंट बन रही थी, ओहो ऐसे बांध दी, ये तो खुल, ये तो ढिल्ली पड़ जगह, ढिल्ली ना भी पड़े। लाओ भाई लाओ भैया, कहाँ आगे से पीछे कोई बंधेगी, जोड़ोगे भाई? हाँ ये काफी लंबी है, इसमें जोड़ लो और बढ़िया हो जाएगी। एक बार को टेडी बांध देंगे कहीं को, या इसे फिर नु तिरछी बांध देंगे उसमें मिला के, नु काट में पीछे से, कभी पीछे को निकल जा, आगे से लाओ पीछे, बढ़िया रहेगी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखें काफी काफी बड़ा ट्रोला टाइप दिखाई दे रही है, बांध दो फटाफट। दोस्तों ये यहाँ दोनों बांध दी है, इसमें से निकाल दिए हैं, ये रस्सी इस बार कम है, हमारी 2 छोटी खडेर जो है पाई नहीं है, नहीं तो हम यहाँ से बांधनी शुरू करते हैं ऐसे साइड से, फिर यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ। अब ये जो बुग्गी की पेटी बंद के जाती है इसी बांध दिए हैं, बस काम चलाऊ तरीके से, बाकी सेफ कर दी है। हाँ करेंगे अभी जेली का भी निस्तारण, तेज हवा है काफी, भूसा काफी उड़ रहा है, ये यहाँ से लपेट के इस तरफ कैंची बांध दी है जिससे खुले ना, क्योंकि कई बार ये गठिया खुल के गिर जाती हैं, गड़ गई है काफी, वैसे यहाँ से काफी गड़ गई है, ये भी काफी गड़ गई है। अब देखते हैं दोस्तों किस तरह से
ट्रैक्टर लेके पहुंचता है। बबलू भाई को कहा तो है कि बिल्कुल स्लो रखें, क्योंकि जिस तरह से ये बंदी है उस तरह वहाँ यहाँ यहाँ। तो अब देखते हैं ये किस तरह से लेके चलते हैं। चलो भाई चलना भाई बहुत आराम से, ठीक है। हाँ थोड़ा, क्योंकि जो अंदर हमने बूस खोल रखा ना वो बाहर की तरफ धकेला मारेगा, बाहर निकाल दे वो दोनों साइड से इकट्ठी होगी। तो पहले भी कई बार हुई है दिक्कत। चलो जी चलो साहब, चलते रहो चलते रहो। अभी तो खेत यार नुई ले लेता है इनको भाई, बहुत गधे है। तो अरे खेत तो सारा ही जूता पड़ा मेरे यार, नू कर देते 12 की माई को, अब नू लाओगे। क्या खिलंदरी जी कर गया था, वो दब गया था पेड़ से, बची जाएंगे वो पेड़ से। कभी पेड़ में पेल दो इसे, आराम आराम से ले आओ। दोस्तों ऊपर की जो गठिया हैं उनमें जो है तीनों गठियों में कडेर नहीं बंदी है बढ़िया, तो देखते हैं वो किस तरह से बचती हैं, किस तरह से आती हैं। हाल तो वैसे वो अंदर बीच में गैक में रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखते हैं ये किस तरह से ड्राइव करते हैं। दोस्तों मैं चलूंगा मोटरसाइकिल उठाने, और ये अपना दोस्तों यहाँ देखो पल बिछाने से फायदा है थोड़ा सा, ये इधर बिखर गया था, ये सुबह उठाने की कोशिश करेंगे। बाकी पल बिछाने का फायदा है, देखो बिल्कुल जमीन क्लियर पड़ी है, बस बीच में से दो जगह से पल क्रैक हो रहा था तो वहां निकला। बाकी ये हमारा जो था 2-2.5 घंटे का काम बिल्कुल रहा नहीं, तो झाड़ू से काफी भूस उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी कई गठिये वीरान हो ही जाता है। तो इसमें अब निकल चलते हैं यहाँ से फटाफट। दोस्तों सेंटीरो उठा ली है और सामने ट्रैक्टर भी आ गया है, चलते रहो मैं पीछे देखता चल रहा। कदी कदी मज्जानी लाइफ हो जा, ये पड़ जाए ऊपर की तो 1 2 3 4 तीन पल्ली तो बंदी नहीं, चार चौथी बंदी बीच की। आराम आराम चलते रहो। दोस्तों ये हाल तो रात के 11 बजे के हैं, डीजे बाज रहे ट्रैक्टरों पे, हमारे मैसी के पीछे सोनाली का जा रहा है, छत्रपाल भाई का, सोनू भाई का, और उनके से मोटा भाई की मशीन आके खड़ी हुई है। वहीं जाकर आपको सीन दिखाता हूँ। और अभी जो है जंगल में करीब, वहाँ देखें सामने, इधर भी सामने, और उधर जो है धड़ाधड़ लान कट रहे हैं। आज पूरे जो है मौसम ने जरा सी गड़गड़ाहट करते ही जो है किसानों में खलबली मचा दी है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। और सही भी है, किसान भाई जितना जल्दी हो सके संभाल लें, क्योंकि दोस्तों कटियाओं की दिक्कत आती है। अंकित भाई का खेत भी लगभग कल कट जाएगा। दोस्तों मैं और बाबा घर आ लिए हैं, बस ट्रोली आने वाली है पीछे ही है, वो एक भाई की बुग्गी आ गई थी रास्ते में, इसलिए रोकना पड़ा उसे रास्ता देने के लिए। दोस्तों ट्रैक्टर आ लिया है, परे दीवार में नाट जा, मगर परे दीवार में नाट जा। आराम से चल, आड़े ना किंगे भी बहुत चौड़ा गेट है वो तो उतनी। ओहो हो चलो चलो, पर फटाफट जा। ओहो अड़गी ऊपर, अड़गी जरा सी। हाँ बस बस बस, लो में लगा के बंद कर दे। सुमरू ये पत्थर ठाके लगे ही जल्दी नहीं, यो तो मैं यहाँ लगाऊंगा। नहीं ट्रॉली ट्रॉली फेंक दे ट्रैक्टर को पीछे को। लो में लगा दे, लो में। दोस्तों अब माल जो है पका हुआ, गठिये सारी उतार दी हैं, अब ट्रॉली में से ये उतारेंगे जोन सा हमें दोबारा नहीं जाना चाह रहे थे, जो भी 8-10 है। इसमें से 4 गठिये तो 4 पल्ली भूसा तो जाएगा मिंदर के पास में। इनका 2 दिन का हो गया है दोनों का, यहाँ से भरेंगे।
और कोठा हमारा थोड़ा ही भरा है, ज़्यादा नहीं भरा है। ऊपर नहीं अड़ पाया, लेकिन जो ट्रॉली में से आएगा उसमें जो है कोने काने अड़ जाएंगे, काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों घर का माल जो है ज़्यादा बरकत करता है। और इसी तरह से ये तख्ते लगते चले जाते हैं, और इसमें अब ये वाला तख्ता साफ करके लगाएंगे ऊपर, फिर यहाँ से ये पल्ली फिर हटा देंगे। यहाँ पल्ली अड़ा के रखनी पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर पल्ली फेंकते हैं तो आसानी से खिंच जाती है। खाली करते हुए आपको दिखाते हैं, फिर ये माल सब कल जाएगा। और यहाँ देखिए व्यवस्था पूरी चरमरा गई है दोस्तों। बबलू भाई ने बिल्कुल साफ कर दिया ट्रॉली, और ये करीब 12 पल्ली बनी थी, तो इनमें से दो पल्ली चली गई हैं, तीन पल्ली, और बाकी ये उठा रहे हैं हम। तो अब हमारा जंगल का चक्कर बच गया, नहीं तो 12 पल्ली की वजह से हमें दोबारा खेत में जाना पड़ता। सब काम यही निपट गया है। इस साइकिल पर तो पढ़ के बबलू का नंबर भी 80% और 90% आए एग्रीकल्चर में। हाँ सही है, ले ले भैया, चल चल पूरी घुमा दे, बढ़िया यार, चलो चलो पूरा काट दे, पूरा काट दे, पूरा काट दे, डायना ट्रैक पहिया 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 पहिया, चलो चलो। ए आज नहीं अड़ाया जालिम, आज नहीं अड़न दिया लमन ने। सही है भैया, सही है, चल तो मैं एक बार कटवा दूं। नहीं कर दे, दोस्तों इसी के साथ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। दोस्तों एक बज गया है रात का।